हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी सारे ब्रांड जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी नहीं लेकर अगर आप अपना भी करना चाहते हैं, आप इसको बड़े आसानी से ही कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस इसको बना सकते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। डे वन से ही ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मीट बिजनेस के बारे में। आपने सही सुना, मीट शॉप के बारे में या फिर मीट स्टोर के बारे में। तो मीट बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अधिक है और इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिकॉज आप अगर पैक मीट भी सेल करते हो या फिर लूज मीट भी सेल करते हो, उनकी जो लास्टिंग टाइम होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो आप उसको डिफ्रीज करके लंबे टाइम तक स्टोरेज भी कर सकते हो और धीरे धीरे भी सेल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल सकते हो और उसमें मार्जिन के साथ आप निकाल सकते हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा चलता है। इंडिया में हर जगह क्वालिटी मीट की बहुत रिक्वायरमेंट है और अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो तो आपको बहुत कम लागत में ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा बताने वाला हूँ कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मीट का बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इंडिया में इसकी डिमांड काफी अधिक है। चाहे पोल्ट्री मीट है या फिर मटन है या फिर आपका सी फूड है, ये सारे जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड काफी हाई है और इस मार्केट में इतना ज्यादा पोटेंशियल है स्पेशली रिटेल सेक्टर में कि काफी सारे कंपनी जो है अपना अपना स्टोर या फ्रेंचाइजी जो है वो काफी तेजी से बढ़ाए जा रही है ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप कोई एक ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जिस बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत कम हो, जो भी हम इन्वेस्टमेंट लगाए वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट के साथ हमको निकल जाए, ऐसा कोई आप रिस्क फ्री और सिक्योर बिजनेस खोज रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। ये बिजनेस आइडियल लोकेशन जो है वो किसी मेट्रो सिटी में या सेकेंड टायर सिटी के लिए ये बिजनेस मॉडल जो है काफी अच्छा काम करती है। ऐसा नहीं है कि थर्ड टायर सिटीज में भी ये बिजनेस नहीं चलेगी, वहां पर भी ये बिजनेस काफी अच्छा चलेगी, लेकिन वहां पर जो प्राइसिंग फैक्टर है उस पे सारी बात आती है। बिकॉज आप एक ब्रांड अपना क्रिएट कर रहे हो, अगर आप एक मीट स्टोर खोल रहे हो तो आपको अपना एक ब्रांड, एक ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो जीतना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप किस टाइप का पोल्ट्री मीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप किस टाइप का सी फूड प्रोवाइड कर रहे हो, आप किस टाइप का मटन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। जो पैक मीट है, जो ब्रांडेड है वो तो है, लेकिन जो लूज मीट्स हैं वो आप किस क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हो, किस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें जो सप्लायर से जो परचेजिंग है वो काफ़ी ही लो कॉस्ट में होती है। बिकॉज आप क्वालिटी कंट्रोल करोगे तो आप पर्टिकुलर उसी सप्लायर से या फिर उसी कंपनी से माल लोगे जो आपको लो प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, कंसिस्टेंट वे में प्रोवाइड करे। बिकॉज ये बिजनेस एक दिन का नहीं है कि आपने एक बार परचेजिंग की उसके बाद जी अगले महीने देखेंगे ये सप्लायर ठीक नहीं है हम किसी और से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में आपको डेली पर्टिकुलर टाइम तक परचेजिंग डन करनी होती है अपनी, बिकॉज आपको डेली फ्रेश आइटम लेकर आना है अपने स्टोर पे या फिर मंगाना है अपने स्टोर पे और फिर वो आप फुल डे तक सेल कर पाओगे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो आइडियल लोकेशन होता है वो होता है कि आप किसी डेवलप मार्केट में एक छोटा सा स्टोर आप ले लो या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया में आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो। और आइडियल स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 300 टू 500 स्क्वायर फीट इनफ होता है इस टाइप के स्टोर के लिए। और जो इसमें फर्नीचर्स की इन्वेस्टमेंट होगी और जो इंटीरियर की इन्वेस्टमेंट होगी वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख के अंदर ही आप सारे इक्विपमेंट
आपके चिलर्स, डिफ्रीजर्स या फिर रैक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़े बहुत रैक्स की ज़रूरत होती है, तो वो सारा तकरीबन 1 से 1.5 लाख के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपका स्टोर 1 से 1.5 लाख में कंप्लीट हो गया। अब रेंटल पार्ट अलग है, आप तो कितना रेंट दे रहे हो या कितने रेंट में ले रहे हो वो अप टू यू, लेकिन एक आइडियल जो है, आप किसी मेट्रो सिटी में खोल रहे हो तो 20,000 इज इनफ, 20 to 30,000 से ज़्यादा रेंट, इनिशियल रेंट आप ना दो। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जो कच्चा माल होता है, वो तकरीबन आपका 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में करनी होती है। और तकरीबन जो भी सेल हो रहा है आपका, अगर पर डे का अगर 25,000 का सेल है आपका, तो एवरी डे 25,000 आपका रोटेट होता रहेगा। उसके अलावा आप इसमें अगर एक्स्ट्रा कोई आइटम रखना चाहते हो, मसाला वगैरह रखना चाहते हो नॉनवेज से रिलेटेड, तो वो सारे मसाले आप इसमें रख सकते हो, बिकॉज मसालों पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है आपके ओवरऑल मीट शॉप के प्रॉफिट को बूस्ट करने में, मीट शॉप के ओवरऑल सेल को बूस्ट करने के लिए वो भी एक अच्छा टॉप अप होता है, तो आप वो भी अपने स्टोर पे रख सकते हो। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर एक मीट शॉप, प्रॉपर मीट शॉप अगर आप ओपन करते हो और क्वालिटी के साथ ओपन करते हो, तकरीबन 5 से 7 लाख की रिक्वायरमेंट होती है एक मीट शॉप को ओपन करने के लिए। और इसमें बंदे की जो रिक्वायरमेंट होती है, 3 बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, एक बुचर चाहिए जो कि मीट कट करने के लिए, एक आपको हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है जो साफ सफाई करे, और एक काउंटर पे चाहिए आपको बंदा जो कि बिलिंग करे। और बिलिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, स्नैपबीज का लिंक ऊपर में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो वीडियो। ओवरऑल 2 से 3 स्टाफ की आपको रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में। अगर ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो तकरीबन 40 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में आपको देखने को मिल जाता है। और ये एक सिंगल ऐसा बिजनेस है जिसमें इतना अधिक प्रॉफिट मार्जिन है, इसीलिए लोग अगर सेल कम भी होता है तब भी वो अपने स्टोर को लॉन्ग रन में चला पाते हैं, बिकॉज इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना अधिक है, अपने स्टोर को मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टोर ओपन करते हो तो तकरीबन 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको पैम्फलेट छपा के डिस्ट्रीब्यूट करवानी पड़ती है, बिकॉज जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि आपने स्टोर खोला है और मीट शॉप खोला है, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, और जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो आप की सेल बूस्ट नहीं हो सकती है। ये इनिशियल प्रमोशन जो है आपको इस बिजनेस में करनी पड़ेगी। और अगर आपके आसपास कोई लोकल पोल्ट्री फॉर्म है या फिर कोई लोकल मीट फॉर्म है तो वहाँ पर भी आप जाकर सप्लाई के लिए बातचीत कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आप पोल्ट्री फॉर्म या फिर कोई ऐसा मीट फॉर्म वगैरह है अवेलेबल तो वहाँ से अगर परचेजिंग करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन और अधिक बढ़ जाएगा। इस बिजनेस में एक फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और GST रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा और आपको कोई पेपर वर्क कराने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में जो ROI का टाइम पीरियड है वो तकरीबन 3 to 6 मंथ के अंदर ही आपको ROI निकल जाता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, नमस्ते।